तो मित्रों नमस्कार। आज हमारे पहाड़ में विशु त्यौहार जो है, विशुति का त्यौहार हो रहा है। इस अवसर पर हमारे पहाड़ में दरवाजे में जौ लगाने की रिवाज होती है, जौ की बालियाँ। तो आज विशुति का त्यौहार के अवसर पर आप लोगों के लिए एक छोटा सा ब्लॉग बना के ला रहा हूँ मैं। और ये विशु का त्यौहार है, हमारे पहाड़ में मनाते हैं। और देखिए मैं आपको अभी बताता हूँ। ये देखो हमारे पितरों द्वारा त्यौहार की रीति को देखो भैया, हमारे पहाड़ों में बचा हुआ कल्चर अभी भी किस तरह से निभाते हैं बुजुर्ग लोग। युवा पीढ़ी द्वारा पलायन करने के बाद भी युवा बुजुर्ग माँ पिता लोग गांव में जो है अपनी रीति को अभी भी निभा रहे हैं, कर रहे हैं। अपनी लोक रीति को कहते हैं भांति भांति के तीज, भांति भांति के त्यौहार। अपनी रीति को ये आज विशु त्यौहार के दिन देर पूजा भी की जाती है, जो गोबर में दरवाजों में गोबर लगाकर उसमें जौ लगाते हैं। ये देखो भैया हमारे माता जी द्वारा ये जो है जौ की पूजा की जा रही है, जो पूजा करने के बाद उसको जो है दरवाजे में जो है गोबर के साथ लगाया जाएगा। जौ अक्षत की पूजा, अक्षत पिठा किया जा रहा है पहले जौ की बालियों का, जो उसके बाद तोड़ने के बाद उनको जो है अंदर गोबर में जो है दरवाजे के उसमें टेका जाएगा। ये पूजा की जा रही है। ये अच्छी फसल के लिए भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए और अन्न देवता को अन्न की पूजा करते हुए दर्शाना, ये लोक रीति में बताया गया है, कह रहे हैं इस टाइप का ये बता रहे हैं। कहाँ रही अब ये संस्कृति जिंदा, इन बुजुर्गों के बाद इन बुजुर्गों के बाद कौन निभाएगा इस रीति को, मुश्किल लगता है। शायद ही हम लोग इस चीज़ को कर पाए, करना चाहिए हम लोगों को। अब ये जौ को तोड़ने के बाद जो है जो दरवाजे में गोबर के साथ जौ को लगाया जाएगा। तो बताओ दे ता मैं यो जो हमारे विशु त्यौहार हुई है, मैं की करने कशी लगूनी किस होता है बारे में जरा बताओ। ये विश त्यौहार होना है। अच्छा, विश त्यौहार होना पर वही दिन यो दे इन ले यो पैर होना। अच्छा, गोबर लेन पर अच्छा लेन पिठा लेन पर यो देले लटकों। अच्छा, लटकोना मतलब की भाई? लटकोना मतलब अब यो पुराने रिवाज वे यो। अच्छा, पुराने रिवाज वे ही पर आज हम लोग को ना हो पर यो वही ले खेल सो। अच्छा, अन्ना के पूछ को ना ये अन्ना आज पूछ बे यो वे जवो खाए ना वे खूब वे जवो को ना पूछ बे यो ये अन्ना आज। अच्छा, ये देखो ये जौ की बालियां है, जौ की पूजा करते हैं। जौ को शुद्ध माना गया, भगवान को देवताओं को भी चढ़ाया जाता है। और इसके बाद जो है इसको गोबर के साथ जो है दरवाजों में जो है जौ की बालियां लगाई जाएंगी और ईश्वर से प्रार्थना की जाएगी कि हमारे जो हम किसान हैं, हम लोग जो खेती बाड़ी करते हैं, जो ये दिया दुभ्याणी भी है इसके साथ जो है अपना पूजा अंदर ले जाने की तैयारी चल रही है। अब इसको गोबर के साथ दरवाजों में जो है लगाया जाएगा और ईश्वर से और अन्य देवता से उसकी प्रार्थना की जाएगी। ये गौ माता जो है उसका गोबर ले जाकर के पहले दरवाजे में लगाने की तैयारी चल रही है। ये तैयारी चल रही है। ये देखिए भैया चल रहा है यहाँ पर, देखिए ये जौ हो आगे हैं। गोबर से दीली को लीपने के बाद उसमें ये फूल डालने का रीति रिवाज भी है। ये शिवलिंग में पुष्प डाले गए हैं। हमारे पितरों द्वारा करा जा रहा है। अभी दीली के ऊपर जो है ये गोबर लगाया जाएगा। पहले इसको लाल मिट्टी से लीपा गया है, मिट्टी के साथ गोबर के साथ मिला के अब ये जो है गोबर से जो है ये बनाया जाएगा। और इसको कर रहे हैं ये देखो आप, ये गोबर लगाया जा रहा है यहाँ पर दरवाजे में।
गौ माता का गोबर शुद्ध माना गया है, इसीलिए गोबर लगाया जा रहा है। ये तीन जगह लगाया जाएगा। ये गोबर लगाया जा रहा है। ये जौ लगाने की तैयारी हो गई है। इस तरीके से जौ लगा रहे हैं, ये लगे हैं पूजा पाठ में। ये देखिए आप, इस तरह से अभी भी रीति को निभाया जा रहा है पहाड़ों में, हमारे पहाड़ में। ये विशुति का त्यौहार, विशु जो त्यौहार होता है, चैत मास से जाने के बाद जो बैसाख की पहली गत्ते को जो पहला पैट होता है, उस दिन जो है भतेर हितेर को लीप करके लाल मिट्टी और गोबर से शुद्धि करके, फिर उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद गोबर, गाय का गोबर ला करके दिल्ली में, इस तरह से ये जौ लगाने का रिवाज है। ये जौ की पूजा, गेहूं नहीं जौ लगाया जाता है। ये देखिए मैं आपको दिखाऊं तो ये अब ये तैयारी चल रही है। इस तरह से अच्छा पिठा करने के बाद जौ लगाए जा रहे हैं। इसके पीछे का तर्क ये बताते हैं कि हमारी खेती बाड़ी जो अन्न है, हमें वो अच्छा हमारी फसल हो और ये अन्नदाता हमें पालता है पोसता है, तो इसलिए अच्छी फसल की शुभकामनाओं के साथ दिल्ली में लगाकर एक तरीके से अन्न का अनुष्ठानिक जो पूजा पाठ के साथ साथ उसे एक सम्मान देना और एक उसके प्रति पूजा और निष्ठा दिखाना कि हे अन्न देवता तो हमको पालता है पोसता है, और दरवाजे में लगाकर इसका जो ये आज विशुति का त्यौहार, विशु त्यौहार कहते हैं जिसे, मैं दिखाने की कोशिश करूँ ठीक से आपको, तो ये लगाए जा रहे हैं। ये देखो ये पिठा किठाक लगा के गोबर में इसको लगाया जा रहा है, जौ की बालियों को ये लगाया गया है, और ये एक यहाँ पर लगाया गया है, और ये यहाँ पर एक दरवाजों के तीन कोने में लगाया गया है। ये इस तरह से करके ऐसा किया गया है। ये अभी पूजा पाठ में हमारे बुजुर्ग जो हैं लगे हैं, ये पूजा हो रही है। इस तरह से इसको जो है पूजा जा रहा है। इसी घर में पूजा करो और ये त्यौहार है, और अजय पिठा धूप बताओ और पूरी प्रसाद हलवा चीज बनो, पर जब तक नहीं लीजिए पर रख दो, वे हो गए खेत पाक है कि वे उन धन मिलल, और यदि उन ज्यादा होल कभी सवा पर कमा कर नहीं। ये भगवान उन भेजो धन भेजो। ये इस तरह से ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं पूजा पाठ के लिए, और ये कह रहे हैं कि हमारे अन्न धन खूब अन्न हो जाए, हमारे बाल बच्चे पल जाएं, और अच्छी खेती की कामना के लिए जो है ये जौ पकने को तैयार है, पक गई है, तो इसको अच्छा पिठा गोबर में लगा करके इस तरह से दरवाजे के पास आज विशु त्यौहार के दिन इसको जो है सजाया गया है। और एक ये पुराने लोक रीति है जो आज भी जिंदा रखे हुए हैं ये पितर हमारे, शायद हो न हो कल के दिन हम इस रीति को निभाएं ना निभाएं, लेकिन हमारा कर्तव्य होता है इस रीति को निभाते रहना चाहिए। तो हमें भी इस तरह से इन बुजुर्गों द्वारा हस्तांतरित दिया हुआ ये जो हमें सिखाया गया, जो हमको दिया गया है, इस रीति को हमें निभाना चाहिए, हमारा कर्तव्य बनता है। तो मित्रों, इस तरह के कई तीज त्यौहार, पहाड़ की लोक संस्कृति, पहाड़ के हमारे बुजुर्गों के पुराने रीति रिवाजों को, और हमारे धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों को, और वहाँ के
कल्चरल को आप लोगों तक लाने का मेरा प्रयास हमेशा रहता है। तो आज ये विशुति का त्यौहार था, विशु त्यौहार कहते हैं हमारे वहाँ बैसाखी का जो त्यौहार होता है, चैत्र मास के बाद जो बैसाखी पहली तिथि के दिन इस त्यौहार को मनाया जाता है। जैसा कि आपको मैंने इससे पहले दिखाया था कि हमारे वहाँ जब खेती फसल पक जाती है तो उसके बाद उसकी बालियों को दरवाजे में लगाते हैं, गोबर में उसके बालियाँ को लगाकर उसके आराधना पूजा पाठ करते हैं, अपनी खुशहाली और अपने फसल की अच्छी पैदावार को होने की कामनाओं के साथ। और ये रीति बुज़ुर्गों से बुज़ुर्गों तक और बुज़ुर्गों से बुज़ुर्गों तक हम लोगों की पीढ़ी तक और पहुंची है और आगे की पीढ़ी तक भी जानी चाहिए। और मेरा इस टाइप का प्रयास, ये जो हमारे पहाड़ के संस्कृति को मैं आप तक लाने का कोशिश करता हूँ, चाहे इसमें एंटरटेनमेंट आपका होता हो ना होता हो, जानकारी थोड़ी बहुत जो कुछ भी मैं बटोरकर आप तक लाता हूँ, तो ज़रूर आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसमें अपना कमेंट भी करिएगा। और थैंक यू सो मच मुझे मेरे पहाड़ी दाजू बलन मेहता के यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए, और इस तरह की खूबसूरत हिमाव बुग्याओं के दर्शन और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को और यहाँ के पहाड़ की खूबसूरती को अगर आप देखना चाहते हैं और मेरे इस पहाड़ी दाजू बलन मेहता के यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा, और इस तरह के खूबसूरत नज़ारों से मैं आप लोगों को रूबरू कराते रहूँगा। धन्यवाद, आभार। इस खूबसूरत हिमालय की तलहटी से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और विश्वति की बहुत बहुत बधाई।